A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12 economics. So in previous classes we were continuously studying the chapter 10 of your macroeconomics. The name of the chapter is government budget and the economy. Okay, so in the last classes we were already completed the topic, that is what is the meaning of the budget, what is the objectives, what are the different objectives of the budget. So why the government is preferring to make a budget. Okay, so next topic we have discussed the structure and the components of the budget, in which we have discussed the budget receipt and the budget expenditure. So in the budget receipt it is divided into two, budget revenue receipt and the capital receipt. Then revenue receipt is further divided into two, tax revenue receipt and the non-tax revenue receipt. Okay, so next we have discussed the what is the meaning of the capital receipt. Next we have started the budgetary expenditure. So budgetary expenditure is explained in the three ways, like revenue and the capital expenditure, development and the non-development expenditure, and the plan and the non-plan expenditure. Okay, so till here we have already discussed in the last class. In today's class we are going to start with the last topic of this chapter, which is budget deficit and its type. So what are the different, what is the budget deficit, ki budget deficit hota kya hai, uske kaun se kitne types hain, ye sara kya hai aaj ki class mein hum log padhenge, and we will also complete this chapter. So let's start. So budgetary deficit is defined as the excess of the total estimated expenditure over total estimated revenue including borrowing. Okay, क्या होता है budgetary deficit? क्या होता है? It is defined as the excess of the total estimated expenditure. जब कभी भी आपका expenditure क्या हो जाता है, revenue से, जो भी आपकी income है रेवेन्यू से ज्यादा हो जाता है, ठीक है, जब रेवेन्यू से क्या हो जाता है, वो ज्यादा हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं बजट डेफिसिट. और रेवेन्यू इंक्लूडिंग दी बोरोइंग्स, बोरोइंग्स मतलब जो भी हम लोग ने क्या किया है, बोरोइंग्स, जो भी गवर्नमेंट ने क्या किया है, बोरोइंग्स ले रखा है. तो बजटरी डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू इंक्लूडिंग बोरोइंग. मतलब जब आपका एस्टिमेटेड टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है, एस्टिमेटेड टोटल एक्सपेंडिचर आपका एस्टिमेटेड रेवेन्यू जिसमें बोरोइंग इंक्लूडेड है उससे ज्यादा हो जाता है, सो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड द बजट डेफिसिट. इसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बजट डेफिसिट, ठीक है. और ये क्या आपको पता है, एस्टिमेटेड है, एक्सपेंडिचर भी आपका एस्टिमेटेड है एज वेल एज आपका रेवेन्यू भी क्या है, एस्टिमेटेड. तो जब आपका एक्सपेंडिचर, एस्टिमेटेड टोटल एक्सपेंडिचर बिकम्स मोर देन द एस्टिमेटेड टोटल रेवेन्यू इंक्लूडिंग द बोरोइंग, सो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड द बजट डेफिसिट. इसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं, बजट डेफिसिट. सो व्हेन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड इट्स रेवेन्यू इट इनकर्स अ बजटरी डेफिसिट. जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है, रेवेन्यू से ज्यादा हो जाता है, ये सिचुएशन क्या होती है, बजटरी डेफिसिट. तो बजट डेफिसिट का फॉर्मूला क्या हो गया, बजट डेफिसिट इट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स इंक्लूडिंग बोरोइंग्स, जिसमें क्या होती है, बोरोइंग्स इंक्लूडिंग होती है, ठीक है. तो बजटरी डेफिसिट कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स, जो भी बजटरी डेफिसिट होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं, ठीक है. बजटरी डेफिसिट आपके थ्री टाइप्स के होते हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका बजट डेफिसिट, क्या पढ़ा कि जब आपका एस्टिमेटेड टोटल एक्सपेंडिचर बिकम्स मोर देन द एस्टिमेटेड टोटल रेवेन्यू इंक्लूडिंग द बोरोइंग, ये क्या होता है, आपका डेफिसिट होता है. डेफिसिट मीन्स कोई भी लैकनेस, कमी. तो ये जब आप कोई भी, आप अगर आपके यहाँ घर में क्या है कि आपके यहाँ इनकम आ रही है 60,000, आपके यहाँ एक्सपेंडिचर हो रहा है 80,000,
तो आपकी इनकम और रेवेन्यू क्या हो गया 60,000 और आपका एक्सपेंडिचर कितना है 80,000। तो दिस सिचुएशन, क्योंकि 80,000 क्या हो गया एक्सपेंडिचर आपका ज्यादा हो गया एज कम्पेयर टू रेवेन्यू, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड डेफिसिट। यही सिचुएशन क्या है, डेफिसिट। तो बजट डेफिसिट कैसे निकलता है, टोटल एक्सपेंडिचर जो भी है माइनस टोटल रिसिप्ट, जितना टोटल रिसिप्ट है जिसमें बोरोइंग्स क्या है ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द बजट डेफिसिट, कि बजट डेफिसिट के टाइप्स क्या हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ बजट, बजेटरी डेफिसिट, बजेटरी डेफिसिट के टाइप्स क्या है। ठीक है, तो इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री, इसको हम थ्री में डिवाइड करते हैं। पहला है आपका रेवेन्यू डेफिसिट, सेकेंड है आपका फिस्कल डेफिसिट एंड द थर्ड वन इज प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, तो बजेटरी डेफिसिट इज डिवाइडेड इनटू थ्री, पहला है आपका रेवेन्यू डेफिसिट, सेकेंड है आपका फिस्कल डेफिसिट, एंड द थर्ड वन इज प्राइमरी डेफिसिट, थर्ड है आपका प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, क्या क्या हो गया, बजेटरी डेफिसिट क्या हुआ, बजेटरी डेफिसिट इज व्हेन देयर इज एक्सेस ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड टोटल एक्सपेंडिचर देन द एस्टिमेटेड टोटल रेवेन्यू इंक्लूडिंग द बोरोइंग। जब आपका एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है, वो ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू रेवेन्यू, सो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड द बजेटरी डेफिसिट। अब नेक्स्ट है आपका बजेटरी डेफिसिट के टाइप्स क्या होते हैं, तो बजेटरी डेफिसिट आर ऑफ थ्री काइंड्स, आर ऑफ थ्री टाइप्स। The first one is revenue deficit, second one is fiscal deficit and the third one is primary deficit. ठीक है, अब हर एक deficit को हम लोग क्या है one by one discuss करेंगे। तो सबसे पहले हम start किसके साथ करेंगे, revenue deficit के साथ, कि ये revenue deficit क्या होता है। Okay, so this deficit occurs in a revenue budget of the government. ये जो डेफिसिट अगर कहाँ पे होता है, कि गवर्नमेंट जो रेवेन्यू बजट बनाती है कि गवर्नमेंट का कितना रेवेन्यू हो रहा है उसमें उसका क्या होता है, उसमें ये डेफिसिट होता है। सो रेवेन्यू डेफिसिट इज कंसर्न विद द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द रेवेन्यू रिसिट ऑफ द गवर्नमेंट। जो भी रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, वो किसका बेसिकली डिफरेंस होता है कि रेवेन्यू से एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, रेवेन्यू का रिसिप्ट कितना है, इन दोनों के बीच का ही एक रिलेशन होता है। सो रेवेन्यू डेफिसिट रिफर्स टू द एक्सेस ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर द रेवेन्यू रिसिप्ट ड्यूरिंग द गिवन एन फिस्कल ईयर। किसी भी फिस्कल ईयर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ज्यादा होना एज कंपेरिजन टू रेवेन्यू रिसिप्ट, मतलब एक्सेस ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर द रेवेन्यू रिसिप्ट, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड द रेवेन्यू डेफिसिट। इसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं। तो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसी भी फिस्कल ईयर में, ठीक है, माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, क्या फॉर्मूला हो गया कि रेवेन्यू डेफिसिट, देखिए टर्म हमेशा ये रहे कि रेवेन्यू है जो भी हमारी इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम, तो उसका डेफिसिट हम कैसे निकालेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू से जो भी एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं, जो हम लोगों ने कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ा था। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जब आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है ओवर द रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट से, सो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड, दिस सिचुएशन क्या, उसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं। सो इन अदर वर्ड्स, गवर्नमेंट रेवेन्यू इज इनसफिशियंट टू मीट द एक्सपेंडिचर, कि इसका मतलब यही कि जो गवर्नमेंट की
एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो इतना नहीं है कि गवर्नमेंट के सारे एक्सपेंडिचर को वो कर सके. मीन्स गवर्नमेंट रेवेन्यू इज इनसफिशियंट. गवर्नमेंट का जो भी रेवेन्यू है वो क्या है, वो इनसफिशियंट है, इतना सफिशियंट नहीं है कि टू मीट द एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर को मीट कर सके ऑन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड द प्रोविजन ऑफ द वेरियस सर्विसेज. कि जो भी गवर्नमेंट का नॉर्मली फंक्शनिंग हो रही है, जो भी गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे एक्सपेंडिचर कर रही है, जो भी प्रोविजन प्रोवाइड कर रही है, डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो ये सिचुएशन क्या हो पा रही है, फुलफिल नहीं हो पा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना रेवेन्यू रिसिट नहीं है कि वो गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर सके. ठीक है, तो ये क्या होता है आपका रेवेन्यू डेफिसिट होता है, रेवेन्यू डेफिसिट. अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, उसके इम्प्लीकेशंस ऑफ द रेवेन्यू रिसिट, कि उसके इम्प्लीकेशंस क्या हो रहे हैं. ठीक है, इम्प्लीकेशंस. ओके, सो रेवेन्यू डेफिसिट इंडिकेट्स द इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑन द रूटीन फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी. रेवेन्यू डेफिसिट इंडिकेट क्या करती है कि गवर्नमेंट क्या है, वो इनएबल है, वो इतनी एबल नहीं है टू मीट द एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट इतनी एबल नहीं है कि वो सारे एक्सपेंडिचर को मीट कर सके ऑन द रूटीन फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी. जो भी रूटीन फंक्शनिंग है इकोनॉमी की, उतना गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू नहीं है कि वो प्रॉपरली उस रूटीन जो भी फंक्शनिंग है उस पर वो क्या करे, एक्सपेंडिचर कर सके. नेक्स्ट है, इट इम्प्लाइज डिस सेविंग ऑन द गवर्नमेंट अकाउंट. अब गवर्नमेंट के पास क्या है, गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना है और उसके पास इतना अमाउंट नहीं है, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, डिस सेविंग करना पड़ेगा. मतलब जो ऑलरेडी उसने कहीं पे सेविंग की हुई है उसको वहां से उसको विथड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना ही करना है. सो इट इम्प्लाइज डिस सेविंग ऑन द गवर्नमेंट अकाउंट. गवर्नमेंट के अकाउंट से क्या हो रहा है, डिस सेविंग हो रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट इज यूजिंग अप सेविंग्स ऑफ द अदर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही है, अदर सेक्टर जो भी इकोनॉमी उसके सेविंग्स को यूज कर रही है टू कवर द गैप बिटवीन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द रेवेन्यू रिसिट. इसलिए कर रही है कि गवर्नमेंट का जो भी गैप हो गया है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और जो भी रेवेन्यू रिसिट का जो गैप हो गया है, अगर गवर्नमेंट क्या करेगी, जो पहले की सेविंग की हुई है उसको लेकर आएगी, तो ये जो गैप है एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट का वो कम हो जाएगा. इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी डिफरेंट सेक्टर्स हैं गवर्नमेंट के, डिफरेंट सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, वहां की जो भी सेविंग है उसको विथड्रॉ करेगी, उसको यूज करेगी, सो दैट जो भी एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट क्या कर सके, गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना ही करना है, तो गवर्नमेंट क्या कर सके, जो गैप हो गया है रेवेन्यू रिसिट और एक्सपेंडिचर का, उसको वो गैप को ब्रिज कर सके, मतलब रिड्यूस कर सके. ठीक है, तो इसका नेक्स्ट है, इट इम्प्लाइज द गवर्नमेंट हैज टू मेक अप दिस डेफिसिट बाय डिस्टर्बिंग इट्स कैपिटल बजट. इसका ये भी है कि इसमें क्या क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या कर, गवर्नमेंट हैज टू मेकअप, गवर्नमेंट को कैसे मेकअप करना पड़ेगा कि इस डेफिसिट को, कि वो जो भी इसका कैपिटल बजट है, ठीक है, जो कैपिटल बजट है उसको भी वो क्या करेगी, डिस्टर्ब करेगी, इधर थ्रू बोरोइंग्स और द सेल ऑफ इट्स असेट. वो क्या करेगी, या तो बोरोइंग करेगी, कहीं से बोरो करेगी गवर्नमेंट, क्योंकि इसको एक्सपेंडिचर उसका ज्यादा हो गया है ना, तो उसके लिए वो क्या करेगी, या तो कहीं से वो बोरो करेगी, या तो जो भी उसके असेट्स हैं उनको क्या करेगी, वो सोल्ड आउट करेगी. जैसे उसको मनी मिलेगा, पैसा मिलेगा, सो दैट दे कैन इन्वेस्ट द मनी. ठीक है, सो इट मीन्स दैट रेवेन्यू डेफिसिट इधर लीड्स टू एन इंक्रीज इन लायबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ बोरोइंग और रिड्यूस द असेट थ्रू द सेल ऑफ इट्स असेट. ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि रेवेन्यू जो डेफिसिट है वो क्या करती है, इधर लीड्स करती है इन इंक्रीज इन लायबिलिटी. लायबिलिटी इंक्रीज कर दी कैसे, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करी है, बोरोइंग करी, क्योंकि इसको एक्सपेंडिचर को करना है, तो गवर्नमेंट इससे क्या हो रहा है, देखिए जैसे हम लोग लाइन पढ़े थे कि ये अफेक्ट करती, तो ये कैसे अफेक्ट करी है, कि इंक्रीज इन द लायबिलिटी, लायबिलिटी में अफेक्ट करी है इन द फॉर्म्स ऑफ बोरोइंग, की गवर्नमेंट बोरो करी है, और रिड्यूसेस द असेट, असेट को रिड्यूस करी, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करी है, डिसइन्वेस्टमेंट करी है, मतलब अपने असेट्स को सोल्ड आउट करी. ठीक है, तो ये क्या, असेट एंड लायबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है. सो यूज ऑफ द कैपिटल रिसिट मे लीड टू एन इन्फ्लेशनरी सिचुएशन. अगर गवर्नमेंट क्या है, कैपिटल रिसिट को यूज कर रही है, तो ये सिचुएशन क्या हो जाती है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन भी आ जाता है. इफ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट इज नॉट कंट्रोल्ड. अगर गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो उसका वेस्टफुल है, मतलब कहीं पे
प्लान्ड नहीं है उसको, वो नॉन डेवलपमेंट एरिया पे या जहाँ पे जरूरत नहीं है वहां पे भी क्या करिए, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर करने लग रही है, तो कैपिटल रिसिप्ट की वजह से क्या हो सकता है, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन भी आ सकती है इकोनॉमी में। सो क्योंकि एक्सपेंडिचर करेगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट, सेम वही जो है आपका डिमांड बढ़ेगा तो लोगों का प्राइस बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है हायर बोरोइंग्स वुड इंक्रीज द फ्यूचर बर्डन। अगर गवर्नमेंट क्या कर रही है, ज्यादा बोरो कर रही है तो गवर्नमेंट के ऊपर क्या हो रहा है, ज्यादा बर्डन हो रहा है क्योंकि उसको रीपेमेंट भी तो करना है उस मनी को, तो बर्डन टू रिपे द लोन, वो लोन अमाउंट को उसको रिपे करने का बर्डन भी बढ़ रहा है एंड इंटरेस्ट पेमेंट, और जो भी उस पर इंटरेस्ट लग रहा है लोन जो भी लिया उसने बोरोइंग, तो उससे उसको इंटरेस्ट भी क्या करना पड़ रहा है, पे करना पड़ रहा है। तो बोरोइंग्स लेने की वजह से गवर्नमेंट को क्या है, एक तो सारे लोन को पे भी करना है एज वेल एज जितना भी उसने लोन लिया है उस पर उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये सारे इसके क्या हो गए, इम्प्लीकेशन ऑफ द रेवेन्यू डेफिसिट। नेक्स्ट है आपका मेजर्स टू रिड्यूस द रेवेन्यू डेफिसिट। अगर ये रेवेन्यू डेफिसिट को रिड्यूस करना है तो उसके कौन से मेजर्स हो सकते हैं, कि किस वजह से वो मेजर्स टू रिड्यूस। ओके, सो रेमिडियल मेजर्स टू रिड्यूस रेवेन्यू डेफिसिट, ये रेवेन्यू डेफिसिट के जो मेजर्स है उसको टू वे में वो कर सकती है, पहला बाई क्या है, पहले रिड्यूस द पब्लिक एक्सपेंडिचर, बाई रिड्यूस पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड बाई इंक्रीज द रेवेन्यू। गवर्नमेंट कैसे कर सकती है, रेवेन्यू को इंक्रीज करके। गवर्नमेंट क्या करे पहले, सबसे पहले कि अगर उसको रिड्यूस करना है अपने रेवेन्यू डेफिसिट को, तो उसके पास दो ऑप्शन है, वो अपने जितने भी वो एक्सपेंडिचर कर रही है जो भी नॉन प्लान है, मतलब वो प्लान्ड नहीं है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उन सारे एक्सपेंडिचर को वो कम करे, और जो भी सोर्स है उसके रेवेन्यू के कि लाइक और जो भी एग्जिस्टिंग टैक्स रेट है उसको वो क्या कर दे, ज्यादा कर दे, ठीक है, या तो न्यू टैक्स रेट को इम्पोज कर दे, तो इंक्रीज वो रेवेन्यू उसको इंक्रीज करना पड़ेगा और अपने एक्सपेंडिचर को कम करना पड़ेगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि अ ड्रास्टिक रिडक्शन इन वेस्ट फूड एक्सपेंडिचर लाइक सब्सिडीज, कि जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है कि सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है तो ये वेस्ट फूड एक्सपेंडिचर उसको वो कम कर दे। नेक्स्ट कह रहा है बाई कर्टेलिंग द नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, जो भी नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जो प्लान्ड नहीं है उनको भी क्या कर दे, वो कम कर दे, कर्टेल कर दे, कम कर दे, रोक दे। नेक्स्ट कह रहा है मेजर्स टू इंक्रीज द रेवेन्यू, मेजर क्या है इंक्रीज करने के रेवेन्यू के, कि इंक्रीजिंग इन द एग्जिस्टिंग टैक्स रेट, जो भी टैक्स रेट ऑलरेडी इम्पोज है उनका टैक्स रेट बढ़ा दे एंड इम्पोज द न्यू टैक्स, और नए टैक्स को भी वो इम्पोज कर दे। इंक्रीज इन द नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिट, जो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिट हमने पढ़ा था ना, क्या क्या पढ़ा था, फीस हो गए, फाइंस हो गए, पेनाल्टीज हो गए, स्पेशल असेसमेंट हो गया, एसचैट हो गया, तो ये सब के भी जो अमाउंट है उसको वो गवर्नमेंट क्या करे, इंक्रीज कर दे। एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्रीज इनकम फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ऐसे कुछ एफर्ट्स भी डालने चाहिए, ऐसे करने चाहिए जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है उनसे भी रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो सके। नेक्स्ट कह रहा है टैक्स इवेजन शुड बी कंट्रोल्ड, जो लोग टैक्स इवेजन कर रहे हैं मतलब टैक्स की जो स्टोर कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, एग्जैक्ट उनको बता नहीं रहे अपनी इनकम, उसको भी क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, सो दैट अगर वो लोग टैक्स इवेजन कम होगा तो लोगों की रियल क्या है जो इनकम है वो पता चलेगी, फिर उस पर टैक्स इम्पोज होगा तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू भी इंक्रीज करेगी। तो जो भी मेजर्स हो गए रिड्यूस करने के, पहला क्या है, रिड्यूस क्या करेगी गवर्नमेंट, पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम करे, और बाई इंक्रीज द रेवेन्यू, रेवेन्यू को इंक्रीज करे। नेक्स्ट है आपका फिस्कल डेफिसिट। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल रिसिप्ट, ठीक है, कि टोटल एक्सपेंडिचर में ज्यादा हो रहा है ओवर द टोटल रिसिप्ट एंड द एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग, बोरोइंग को क्या करना है उसमें से एक्सक्लूड कर देना, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला हुआ फिस्कल डेफिसिट, एफडी लिख देते हैं, फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिट, टोटल
receipt excluding borrowings. Borrowings को क्या है, इसमें से exclude कर देंगे. ठीक है, अब ये total expenditure में आपको पता है, total expenditure में क्या क्या आ जाएगा, revenue expenditure plus capital expenditure. ठीक है, अब इस total receipt में क्या आ जाएगा, revenue receipt plus capital receipts excluding borrowings. borrowings को क्या करना है, इसमें से एक्सक्लूड कर देना. ठीक है, ओके. अब रेवेन्यू को भी अगर हम लोग डिवाइड करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, तो क्या हो जाएगा, प्लान एंड नॉन प्लान. कैपिटल में क्या हो जाएगा, प्लान एंड नॉन प्लान. माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट के भी दो पार्ट है, टैक्स और नॉन टैक्स, माइनस कैपिटल रिसिप्ट और सॉरी प्लस कैपिटल रिसिप्ट. तो फॉर्मूला क्या हो गया, फिस्कल डेफिसिट का टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट. एक्सक्लूड कर देंगे हम लोग क्या, इसमें से बोरिंग्स को एक्सक्लूड कर देंगे. और टोटल एक्सपेंडिचर में क्या आता है, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है. ठीक है, प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट. ठीक है, एक्सक्लूडिंग दी बोरिंग, ये आपका क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया. नेक्स्ट आपका कह रहा है इम्प्लीकेशन, फिस्कल डेफिसिट के इम्प्लीकेशन क्या होंगे. इम्प्लीकेशंस, ओके. सो फर्स्ट वन है डेट ट्रैप, मतलब डेट होता है आपको पता ही, डेट हो जाता है बहुत इंक्रीज. तो जब कोई भी गवर्नमेंट क्या है, वो रिकवर नहीं कर पा रही है सारे लोन को, तो वो ट्रैप में, डेट के ट्रैप में फंसती चली जाती है. सो फिस्कल डेफिसिट रेफर्स टू द टोटल बोरोइंग रिक्वायर्ड ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या है, कि जो भी टोटल बोरोइंग्स है, रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट के लिए. बोरोइंग्स क्रिएट प्रॉब्लम ऑफ रिपेमेंट ऑफ लोन. अब अगर गवर्नमेंट क्या करती है, बोरो करती है, तो बोरोइंग करने का मतलब है कि उसको रिपे भी करना पड़ेगा, एंड ऑल्सो फॉर द रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट, और उस पर उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा. सो इंटरेस्ट पेमेंट इंक्रीज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इंटरेस्ट पेमेंट अगर होगा तो ये क्या इंक्रीज कर देगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर देगा, which leads to revenue deficit. उससे क्या होगा, जैसी revenue expenditure increase हुआ, तो revenue deficit क्या हो जाएगा, वो increase हो जाएगा. The government resort to further borrowings to repay the earlier loan. अब government क्या करेगी, नए कुछ loans को लेगी. क्यों लेगी, क्योंकि जैसे जो पहले उसने loan लिया था, उस loan को repay करने. revenue deficit में क्या हो गया था, expenditure ज्यादा हो गया था ना, तो revenue जब expenditure ज्यादा हो गया था, तो government क्या करी थी, borrowings करी थी. तो गवर्नमेंट जैसे ही बोरोइंग करेगी, ठीक है, उसको इंटरेस्ट पे करना. अब गवर्नमेंट उसके अलावा भी कुछ बोरोइंग करेगी. क्यों बोरोइंग करेगी, कुछ लोन लेगी, क्योंकि जो पहले उसने बोरोइंग्स की थी, जो पहले उसने लोन लिया था, उसको रिपे करने के. इस कंडीशन में गवर्नमेंट क्या हो जाती है, उस डेट ट्रैप में फंसती चली जाती है. द कंट्री इज कॉट इन द डेट ट्रैप. अब कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी कंट्री क्या है, उसी ट्रैप में फंसती चली जा रही, कि कंटिन्यूसली उसका लोन क्या होता जा रहा है, वो इंक्रीज करता जा रहा है. नेक्स्ट है फॉरेन डिपेंडेंस. सो गवर्नमेंट ऑल्सो बोरोस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. गवर्नमेंट क्या करती है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अदर जो भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, अदर कंट्रीज से भी क्या करती है, बोरो करती है. विच इज एसोसिएटेड विद द इकोनॉमिक इंटरफेरेंस बाय द लेंडिंग कंट्री. जो किससे रिलेटेड है, इकोनॉमिक इंटरफेरेंस, जो लेंडिंग कंट्रीज होती है, जो लेंड कर रही है मनी को, जो आज जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, और अदर कंट्री है जो आपको फंड प्रोवाइड कर रही है. सो इट कॉजेज इकोनॉमिक स्लेवरी. अब इससे क्या होता है कि हम इकोनॉमिक स्लेवरी बन जाते हैं, मतलब किसी के स्लेव बन जाते हैं. अब आप किसी से, फॉर एग्जांपल, आप किसी से पैसा लेते हो 10,000-20,000, तो आपके सामने जब भी वो प्रेजेंट होता है या सामने जाते हो, तो आपको हर एक बात उसकी सुननी पड़ती है, या स्लेव बन के रह जाते हो कि अरे नहीं, उससे तो मैंने लिया है, उसको मुझे रिपे. तो ऐसी कंट्री में भी क्या हो जाता है, कंट्री भी इकोनॉमिकली वो स्लेवरी हो जाती है. If the lending country dictate its term on the borrowing country, अगर कोई भी lending country जो lend कर रही है, money provide कर रही है, वो क्या कर रही है, अगर अपने terms and condition को वो dictate
करते रहिए। तो कोई भी कंट्री है इकोनॉमिक स्लेवरी में। नेक्स्ट है आपका कॉजेज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है, इस वजह से होता है। तो द गवर्नमेंट रिसोर्ट टू बोरोइंग फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट क्या करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बोरो करती है टू मीट इट्स फिस्कल डेफिसिट। अपने फिस्कल डेफिसिट को मीट करने के लिए इट इज डन बाय द डेफिसिट फाइनेंसिंग। जो मैंने बताया था डेफिसिट फाइनेंसिंग में क्या होता है कि न्यू करेंसीज इशू करती है। न्यू करेंसी इशू करती है तो न्यू करेंसी कौन इशू करेगा, आरबीआई, क्योंकि उसके डेफिसिट ज्यादा हो गए हैं उसको रिकवर करने के लिए। दिस इंक्रीजेस द सर्कुलेशन ऑफ द मनी इन द इकोनॉमी। अब क्या होगा कि जैसे ही न्यू मनी क्या है सर्कुलेट होगी इकोनॉमी में, तो मनी सप्लाई क्या होगा इकोनॉमी में ज्यादा हो जाएगा। जैसे ही मनी सप्लाई इकोनॉमी में ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, लोगों के पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, तो लोगों के पास जब मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगा, मनी ज्यादा हो जाएगा इकोनॉमी में, तो लोगों के डिमांड भी बढ़ जाएगी, कंजप्शन भी बढ़ जाएगा। सो दैट ये क्या करेगा, इट लीड्स टू इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइनेंशियल बर्डन फॉर द फ्यूचर जनरेशन। सो बोरिंग लीड टू द बर्डन फॉर द फ्यूचर जनरेशन। बोरिंग्स क्या करती है, लीड करती है बर्डन, कोई भी फ्यूचर जनरेशन के बर्डन कर देती है एज पेमेंट ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन गेट एक्यूमुलेटेड। क्योंकि उसमें क्या है, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है कि लोन भी पेमेंट करना पड़ता है, उस पर इंटरेस्ट भी पे करना। हुज बर्डन इज टू बी बॉर्न बाय द फ्यूचर जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ मोर टैक्स एंड द नॉन टैक्स रेवेन्यू। जिसका बर्डन क्या है, बॉर्न किसके थ्रू हो रहा है, फ्यूचर जनरेशन के थ्रू हो रहा है। किसके, कि मोर टैक्स से ज्यादा टैक्स इम्पोज हो रहा है, नॉन टैक्स रेवेन्यू भी हो रहा है। तो इनसे क्या है कि बहुत ज्यादा फ्यूचर जो भी जनरेशन है उस पर भी बहुत ज्यादा बर्डन होता चला जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सोर्सेज ऑफ द फाइनेंसिंग फिस्कल डेफिसिट। कि कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो फाइनेंस फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है सोर्सेज में, फर्स्ट है आपका बोरोइंग्स, सेकेंड है आपका डेफिसिट फाइनेंसिंग। ठीक है, सो बोरोइंग्स, फिस्कल डेफिसिट कैन मेड बाय द बोरोइंग फ्रॉम द डोमेस्टिक सोर्सेज। ठीक है, जो भी फिस्कल डेफिसिट है वो क्या है, कैसे हो सकता है फुलफिल, कि बोरोइंग होगा डोमेस्टिक सोर्सेज से, लाइक कमर्शियल बैंक से वो लोन लेगी, एंड एक्सटर्नल सोर्सेज कि फॉरेन कंट्री से लेगी, फॉरेन गवर्नमेंट से लेगी, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां से मनी बोरो करेगी। नेक्स्ट उसके डेफिसिट फाइनेंसिंग, कि वो क्या करेगी, आरबीआई को बोलेगी कि न्यू मनी क्या करो, इकोनॉमी में सर्कुलेट करो। ठीक है, सो द गवर्नमेंट में बोरो फ्रॉम द आरबीआई। गवर्नमेंट क्या करेगी, आरबीआई से मनी बोरो करेगी अगेंस्ट दी इट्स सिक्योरिटी। अपनी कुछ सिक्योरिटीज देगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देगी, तो उसके अगेंस्ट उसको मनी बोरो करेगी टू मीट द फिस्कल डेफिसिट, अपने फिस्कल डेफिसिट को मीट करने के लिए। आरबीआई इशूज द न्यू करेंसी फॉर दिस पर्पज। आरबीआई क्या करेगी, न्यू करेंसी इशू करेगी, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज डेफिसिट फाइनेंसिंग। इसी को क्या बोलते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग। नेक्स्ट है आपका मेजर्स टू रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट। इसके भी सेम है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, अपने जो भी एक्सपेंडिचर है उसको रिड्यूस करे, जो भी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है लाइक सब्सिडीज और जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है उसको रिड्यूस करे, और गवर्नमेंट क्या करे, इंक्रीज द रेवेन्यू, रेवेन्यू को इंक्रीज करे। रेवेन्यू कैसे इंक्रीज होगा, सेम वही है कि टैक्स रेट, एग्जिस्टिंग टैक्स रेट का जो वो है रेट है उसको इंक्रीज करे, न्यू टैक्स को इम्पोज करे, टैक्स इवेजन को कंट्रोल करे, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को मोटिवेट करे कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या करे, कंट्रीब्यूशन करे, और नॉन टैक्स रिसिप्ट जो है उनसे क्या करे, वो उनको उनकी भी वैल्यू को वो इंक्रीज करे। ठीक है, अब नेक्स्ट है और लास्ट आपका क्या डेफिसिट है, प्राइमरी डेफिसिट। यहाँ पर लास्ट है प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, सो प्राइमरी डेफिसिट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द फिस्कल डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द प्रीवियस बोरोइंग्स। देखिए अब इसमें क्या कह रहा है कि प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट होता है इट इज द डिफरेंस बिटवीन पीडी, इज द डिफरेंस बिटवीन द फिस्कल डेफिसिट ऑफ करेंट ईयर, करेंट ईयर में जो भी फिस्कल डेफिसिट हुआ है, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑन
previous borrowings, previous borrowings कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब है कि जो भी करंट ईयर में फिस्कल डेफिसिट है और जो भी प्रीवियसली बोरोइंग्स लिया गया था, जो भी प्रीवियसली बोरोइंग्स लिया गया था उस पर जो भी हम लोगों ने इंटरेस्ट पेड किया था प्रीवियस बोरोइंग्स पे, जो पहले लिया था उस बोरोइंग्स पे जो भी इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं उसको हम लोग फिस्कल डेफिसिट जो करंट ईयर है उसमें से हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो दैट वी गेट द वैल्यू ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। फिर हम प्राइमरी डेफिसिट को पता कर लेते। टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बोरोइंग ऑन द करंट ऑन अकाउंट ऑफ करंट एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग द रेवेन्यू, ठीक है। अगर हमें ये अमाउंट कैलकुलेट करना है कि बोरोइंग्स कितना है, करंट एक्सपेंडिचर जो एक्सीड कर रहा है रेवेन्यू से, वी नीड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइमरी डेफिसिट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। इट इज डन बाय द सब्ट्रैक्ट द इंटरेस्ट फ्रॉम द फिस्कल डेफिसिट। ये कैसे होगा कि हम लोग फिस्कल डेफिसिट में से जो भी इंटरेस्ट पेमेंट है उसको माइनस कर देंगे। नेक्स्ट है आपका इसके इम्प्लीकेशंस, इम्प्लीकेशंस। सो प्राइमरी डेफिसिट इज डिफाइंड एज द फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ये पता ही चल गया, ऑन द प्रीवियस बोरोइंग, जो भी प्रीवियस बोरोइंग्स हुई है ना, इसीलिए आपको याद होगा कि फिस्कल डेफिसिट में से हम लोग बोरोइंग्स को एक्सक्लूड कर रहे थे क्योंकि ऑलरेडी उसमें से पेमेंट हम लोग ने निकाल दिया, इसलिए यहाँ पे प्रीवियस बोरोइंग्स को क्या करा जा रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो प्रीवियसली जो हम लोगों ने बोरोइंग की थी उसमें से हमको उसमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सो देयरफॉर इट इंडिकेट द अमाउंट ऑफ बोरोइंग्स रिक्वायर्ड टू मीट एक्सपेंडिचर अदर देन द इंटरेस्ट पेमेंट, कि इसमें क्या है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, अमाउंट ऑफ बोरोइंग, कितनी बोरोइंग की रिक्वायरमेंट है टू मीट द एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए अदर देन द इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट करने की अलग से और कितने हमें अमाउंट की जरूरत है, हमें और कितनी बोरोइंग्स की जरूरत है, सो दैट हम उन बोरोइंग्स को क्या कर सके, पे कर सके अभी इंटरेस्ट पेमेंट, अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट को छोड़ के हमको कितना और लोन लेने की जरूरत है कि हम जो भी हमारा बोरोइंग्स है, जो भी एक्सपेंडिचर है, हम उसको पे कर सके। सो फिस्कल डेफिसिट रेफर्स टू दी बोरोइंग्स इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, फिस्कल डेफिसिट रेफर्स टू बोरोइंग करता है इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, उसमें इंटरेस्ट पेमेंट इंक्लूड होता है। प्राइमरी डेफिसिट रेफर्स टू दी बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट एक्सक्लूसिव ऑफ द इंटरेस्ट पेमेंट, और प्राइमरी डेफिसिट में क्या होता है, रेफर करता है बोरोइंग जो रिक्वायरमेंट है जिसमें से हम इंटरेस्ट पेमेंट को क्या कर दे रहे हैं, एक्सक्लूड कर दे रहे हैं, बट फिस्कल डेफिसिट में क्या करते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट को इंक्लूड करते हैं क्योंकि हम लोग प्रीवियसली की बात कर रहे हैं। सो इट इंप्लाइज दैट इफ प्राइमरी डेफिसिट इज जीरो देन द फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट। अगर आपका अगर ये है कि अगर प्राइमरी डेफिसिट जीरो है, प्राइमरी डेफिसिट अगर जीरो है इसका मतलब क्या हो गया कि फिस्कल डेफिसिट वो किसके इक्वल है, इंटरेस्ट पेमेंट के इक्वल है। तो इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द प्रीवियस लोन हैव लेड टू बोरोइंग, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट जो भी हम प्रीवियस लोन पे कर रहे हैं वो क्या है, वो हमारा बोरोइंग्स है, ठीक है। तो अगर प्राइमरी डेफिसिट जीरो है तो इसका मतलब है कि फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट एक दूसरे के इक्वल है। नेक्स्ट है आपका मेजर्स, मेजर्स टू रिड्यूस द प्राइमरी डेफिसिट, मेजर्स। सो प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट द डेफिसिट अदर देन द इंटरेस्ट पेमेंट। प्राइमरी डेफिसिट क्या इंडिकेट करता है, बोरोइंग्स जो रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट को, क्यों, क्योंकि डेफिसिट को पे कर सके अदर देन द इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट को छोड़ के। सो देयरफॉर एफर्ट शुड बी मेड टू रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट, तो इसलिए एफर्ट्स करना चाहिए सो दैट फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस कर सके। टू रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट, अगर फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करना है इंटरेस्ट पेमेंट शुड बी रिड्यूस, अगर फिस्कल डेफिसिट को हमें कम करना है तो इंटरेस्ट पेमेंट शुड बी रिड्यूस। इंटरेस्ट पेमेंट क्या होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए थ्रू द रीपेमेंट ऑफ द लोन, कि हम लोन को जितना जल्दी से जल्दी कम कर लेंगे, जितना से जल्दी जल्दी पे कर लेंगे तो आपका फिस्कल इंटरेस्ट पेमेंट फिस्कल डेफिसिट भी क्या हो जाएगा, वो भी रिड्यूस हो जाएगा। सो इसलिए इंटरेस्ट पेमेंट रिड्यूस होगा जैसे ही हम लोग, अगर देखिए हम लोग कहीं भी लोन लेते हैं तो ये क्या होता है कि लोग कहते हैं ना कि जल्दी से जल्दी हमको वो लोन को पे कर देना चाहिए क्योंकि डे बाय डे वो इंटरेस्ट पेमेंट और इंक्रीज होता चला जाएगा। तो इसलिए जो भी बोरोइंग्स है वो गवर्नमेंट को बोला जाता है कि वो जल्दी से जल्दी क्या करें, उनको पे कर सके क्योंकि ये डे बाय डे इंटरेस्ट पेमेंट वो इंक्रीज ही होता जाएगा और ज्यादा से ज्यादा ओवरबर्डन होता जाएगा, ठीक है। सो ऑल अबाउट योर चैप्टर 10, ओके। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द चैप्टर 11, ओके। सो नेम ऑफ द चैप्टर
name of the chapter is the foreign exchange rate. Okay, so it's all about your today's class. Thank you.